देखिए, आरटीपीसीआर टेस्ट ये पूरे दुनिया में अभी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सैंपल के रिपोर्ट्स है उसके लिए की जाती है। और आज आरटीपीसीआर के जो प्राइवेट लैब्स को जो परमिशन दी गई थी तो उसमें प्राइवेट लैब्स करीबन 4,500 ओनली फॉर द रिपोर्ट। और अगर घर जाके स्वैब लेना है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर पीपी किट्स का भी खर्चा है, ये सब अगर पकड़ना है तो फिर वो 5,200 रुपये लेते थे। तो आज इसके बारे में काफ़ी जगह से एक मांग हो रही थी कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी थी कि जिनको ये करके लेना था हमारे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो भी वो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा था, इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा था। और अभी जब जैसा कि अभी आरटीपीसीआर का जो किट होता है वो भी इतने बड़े पैमाने पे लगता है, तो जैसा कि डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी नीचे आना मुनासिब है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए प्राइस नीचे आने की जो डिमांड चल रही थी उसके लिए हमने सार्वजनिक आरोग्य विभाग यानी हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक कमेटी गठित की डॉक्टर शिंदे के अध्यक्षता में। हमारे सभी जो डायरेक्टर साधना ताइडे हैं वो सभी लोग उसमें थे, और उसके तहत जो रिपोर्ट उन्होंने पूरा एनालिसिस करके दिया है जिसमें उन्होंने 2,200 रुपीज़ मैक्सिमम ये टू पिकअप एंड टू गिव द रिपोर्ट, यानी हॉस्पिटल से पिकअप करना और रिपोर्ट देना आरटीपीसीआर का, इसके लिए 2,200 रुपये। और किसी के घर जाके, फिर घर जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए पीपी किट यूज़ करना है, तो ये सभी लैब को खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी के घर जाके करना है तो 2,800 रुपये। तो मुझे लगता है कि 2,200 और 2,800, तो ये दो रेट्स हमने फिक्स किए, ये पूरे भारतवर्ष में या पूरे हमारे हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे कम रेट, न्यूनतम रेट आज महाराष्ट्र में है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर इससे लोगों की बचत तो होगी और इसमें और भी प्राइवेट लोगों को अपना अपना टेस्ट करवा लेने के लिए और भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे लगता है कि ये समय की ज़रूरत थी और वो हमने आज पूरी करने के लिए कोशिश की है। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र ये पूरे देश में एक नंबर का राज्य है जो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करता है। करीबन 191 लैब्स अभी तक हुए हैं और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किए हैं, और 6 लाख के ऊपर भी अभी तक टेस्ट की गए हैं। पर मिलियन टेस्ट में मुंबई तो सबसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला शहर है। तो इसलिए हम जो आईसीएमआर का प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक हम फॉलो करते आए हैं। हम कोई भी तड़जोड़ या उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कभी की नहीं है, और इसीलिए आज ये जो निर्णय लिया है मुझे इसका आनंद है। लेकिन सर, नियमों में कोई बदलाव रहेंगे क्या? वही रहेंगे कि डॉक्टर्स इस तरह से टेस्ट करनी है? नहीं, बाकी तो सब जो होता है स्वैब लेने का काम, वो वीटीएम में यानी वायरस ट्रांसमिशन मीडियम के लिए वो होता है, वो सभी जैसा है वैसा ही है। एक ही है कि ये संख्या बहुत बढ़ गई है, इसीलिए अभी किट्स के साइज़ ये कीमतें भी कम हो गई है। तो ये प्रॉफिटेयरिंग या नफाखोरी ये ख़ास तौर पर लैब्स ने नहीं करनी चाहिए, और हमारा सभी जो लक्ष्य है वो ख़ास तौर पर हमारा जो पेशेंट का हित है वही हित देखना हमारा मुख्य लक्ष्य है, उसके तहत हमने ये निर्णय लिया है।